नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट में कैसे स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इन गलतियों को कैसे वर्ड अपने आप ठीक करता है या हम कैसे उनको चेक कर सकते हैं, जो गलतियां हैं उनको कैसे ठीक करा जा सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हों चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों, इनको बहुत आसानी से हम वर्ड में ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी इंग्लिश सही नहीं है या हमसे स्पेलिंग्स जो हैं वो हम थोड़ा गलत लिखते हैं, हमारा तरीका जो है वो सही नहीं रहता है, और अगर हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें हम देखेंगे इसमें कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि चीज़ें अपने आप भी ठीक होंगी कुछ। कई बार आप देखेंगे वर्ड में कि आप कुछ गलत आपने टाइप किया और अपने आप उसका सही जो है, सही स्पेलिंग या सही ग्रामर, मतलब वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप गलतियां करेंगे तो वो कई चीजें होंगी जो कुछ ठीक भी हो जाएंगी, और अगर गलतियां हो भी गई हैं तो आपके पास इसमें वर्ड में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप उन गलतियों को सही कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप जो फाइल बना रहे हैं वो उसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी अगर आप ये टूल्स यूज करना जानते हैं तो। राइट तो बच्चों, हमारे जैसे चेंज जो सिलेबस है, हम वर्ड प्रोसेसर पढ़ रहे थे पहले से ही, हमने कुछ विंडोज की चीजें भी जानी कि कैसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य करते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है, हमारी फाइलें जो फाइल मैनेजर में या विंडोज एक्सप्लोरर में हम कैसे देखते हैं। राइट तो पहले हमारा था कि हम वर्ड को जानेंगे, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट को जानेंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जो कि संशोधित सिलेबस के अनुसार अब हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब हमारे सिलेबस में है, इसलिए कुछ भी हमारा पढ़ा हुआ बेकार नहीं है। हम वर्ड प्रोसेसर पढ़ रहे थे, हमने विंडोज का परिचय लिया था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, और हमने जो कंप्यूटर है उसकी जनरेशंस, उसमें मेमोरी, प्रोसेसर, इनके बारे में भी हमने जाना था। तो ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे काम की हैं, हमने पढ़ी हैं, और हम इनको जब हमारा वर्ड पूरा हो जाएगा तब और जो पहले के यूनिट्स हैं, जैसे वर्ड जो है वो हमारा यूनिट थर्ड है, तो जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम एक बार और लेंगे, पुनः उनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी थ्योरी, ताकि आप किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकें। राइट तो वर्ड हम पढ़ते आए थे, हमने अभी तक वर्ड में सीखा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं, ठीक है, कोई पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है वो कैसे ओपन करते हैं, ये सब हमने पिछली कक्षाओं में सीख लिया है। डॉक्यूमेंट जो है वो मल्टीपल पेजेस का होता है, कई सारे पेजेस हो सकते हैं डॉक्यूमेंट में, हम अपनी इच्छा के अनुसार और नए पेजेस डाल सकते हैं। जैसे जैसे हम कार्य करते जाते हैं, अपने आप हम टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे ही एक पेज की लिमिट खत्म होती है अपने आप नया पेज आ जाता है ना। तो अगर आपने भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है तो आपने देखा होगा कि जैसे हम टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग करते वक्त अपने आप जैसे ही हमारी लाइन खत्म होती है अपने आप हमारी नई लाइन पर हम आ जाते हैं, है ना। हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है कि अरे नई लाइन पर जाना है फिर लिखना है, हम टाइप करते जा रहे हैं। मान लीजिए हम एक कुछ लिख रहे हैं, उसमें 5-6 पेजेस हैं, कई सारे पैराग्राफ्स हैं, हमको बस टाइप करना है, हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि ये आखिरी छोर आ गया अब हमें नीचे जाना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर में आप टाइप करते जाते हैं, अपने आप नई लाइन आती जाती है जैसे जैसे आप करते हैं। तो इस तरह से पैराग्राफ का निर्माण होता है। फिर जब आपको नया पैरा शुरू करना है तो आप क्या प्रेस करते हैं, एंटर की। मैंने आपको बताया कि जब भी हम एंटर की देते हैं, हम ये नहीं कहेंगे एक नई लाइन शुरू हो रही है, लाइन तो अपने आप आ रही है, नया पैराग्राफ, नए पैराग्राफ की शुरुआत होती है जैसे ही हम एंटर की देते हैं, नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है, हम टाइपिंग कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। फिर हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट किया, एंटर की दी, फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। और अब जैसे ही हम ये टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे ही एक पेज की लिमिट खत्म होगी अपने आप नया पेज आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा काम आराम से चलता रहेगा। तो इस तरह से वर्ड में एक जो डॉक्यूमेंट है वो कई सारे पेजेस से मिलकर बना होता है। इसमें आप चाहें तो कवर पेज
भी डाल सकते हैं जो कि टॉप पर आपके, जैसे आपको टाइटल्स वगैरह हेडिंग्स लिखनी है, इंडेक्स बनाना है, उसके लिए आपने चार पेज बनाए, चार पेज के बीच में आप एक नया पेज डाल सकते हैं, आप पहले पेज के से भी पहले एक नया पेज डाल सकते हैं, कवर पेज डाल सकते हैं, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, है ना। और हम एक बार इसमें करके भी देखेंगे कंप्यूटर में। अब आज जो हमें देखना है वो है कि कैसे स्पेलिंग और ग्रामर की जो गलतियां होती हैं उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं, उनको कैसे सही कर सकते हैं, और चीजें जो अपने आप सही हो रही हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया और ये अपने आप सही हो गया। तो ऑटो करेक्ट है ना एक फीचर होता है वर्ड में, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट के माध्यम से कई चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। और ऐसे ही इसमें हमारे पास स्पेल एंड ग्रामर चेक का जो टूल है ना, उसके माध्यम से हम कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको हम सही कर सकते हैं, राइट। स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं उनको हम सही कर सकते हैं इस टूल के माध्यम से। तो कैसे होता है, जैसे हम काम शुरू करते हैं, अब हमने कोई भी टाइपिंग हम कर रहे हैं, आपने देखा होगा बच्चों कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते वक्त क्या होता है कि अगर आपने कुछ गलत लिखा, मींस अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो उस शब्द के नीचे, उस वर्ड के नीचे आपको लाल रेखा नजर आ जाएगी, समझ रहे हैं। हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते वक्त अगर हमसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उस शब्द के नीचे रेड लाइन आ जाती है और इससे हमें पता चल जाता है, अगर हम उसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर ध्यान से आप देखें तो अगर किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही है तो उसका अर्थ होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक आपने करी है। और कई बार हम देखते हैं कि कोई सेंटेंस हमने लिखा और ग्रीन कलर की लाइन आ रही है उसके नीचे, जैसे अंडरलाइन होती है वैसे ही ग्रीन कलर की लाइन आ गई अपने आप, हमने कोई अंडरलाइन नहीं डाली, ग्रीन कलर की लाइन कैसे आ गई, तो उस ग्रीन लाइन का अर्थ है कि आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है, ठीक है। आपने जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो गलत किया है, आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है, जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के जो रूल्स होते हैं उसमें आपने कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन है इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमने कहां कहां पे स्पेलिंग और कहां कहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक अपने डॉक्यूमेंट में करी है, राइट। तो ये चीज मैं यहां पर नोट कर लीजिए आप कि अगर किसी वर्ड के नीचे आपको रेड अपने आप रेड अंडरलाइन आ रही है तो इसका मतलब क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक, कि आपने उस वर्ड की जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत लिख दी है। और कहीं पर किसी सेंटेंस पर अगर ग्रीन अंडरलाइन आ रही है तो इसका अर्थ क्या है, ग्रीन लाइन का अर्थ है कि आपने ग्रामर में जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, ग्रामर जो है वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो हम बोलते हैं, तो ग्रीन लाइन इंडिकेट करता है ग्रामेटिकल मिस्टेक को। अगर आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है तो ग्रीन अंडरलाइन मिल जाएगी, और अगर आपने कोई स्पेलिंग की गड़बड़ करी है तो रेड अंडरलाइन मिलेगी, राइट। तो इस तरह से वर्ड प्रोसेसर आपको इंडिकेट कर देता है कि यहां यहां आपने गलतियां करी हैं। अब सोचिए कि अगर टाइप करते करते हमें ये पता चल जाए तो हम अपनी गलती सुधार सकते हैं, है ना। और अगर हमें क्या सुधार करना है ये नहीं समझ आए तो उसके लिए भी ये हमें सजेशंस प्रदान करता है, सुझाव प्रदान करता है कि क्या आप ये लिखना चाहते थे, क्या आप ये वर्ड लिखना चाहते थे, इस तरह के सुझाव हमें मिलते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं,
जब हम टाइप कर रहे हैं और हमने देखा किसी शब्द की स्पेलिंग, मतलब जो शब्द है उसके नीचे रेड अंडरलाइन आ रही है, तो हम समझ जाएंगे कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है। उस शब्द पर जब हम राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने पर हमारे पास जो शॉर्टकट मेन्यू आएगा उसमें ये हमें वर्ड प्रोसेसर जो है वो सुझाव देगा, सजेशंस देगा कि आप ये स्पेलिंग लिखना चाहते थे या आप ये वर्ड, क्योंकि एक वर्ड है उसके कई दूसरे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो तकरीबन उसके जैसे उनकी स्पेलिंग होती है। आपने देखा ना कई सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग कुछ कुछ एक जैसी हो सकती है ना। तो ये सजेशंस देखा काफी सारे आपको, और सजेशन में से आप चुन सकते हैं आपकी सही वर्ड जो आप लिखना चाहते थे। राइट, क्या करा हमने, हमने टाइप करते वक्त देखा कि किसी शब्द के नीचे रेड लाइन आ रही है, तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। अब उस शब्द पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने से हमें शॉर्टकट मेन्यू जो आता है, जो मेन्यू आएगा उसमें हमें सजेशंस मिलेंगे स्पेलिंग्स के। तो हम स्पेलिंग जो हमने गलती करी है स्पेलिंग की वो सही कर सकते हैं। आप सही शब्द पर क्लिक करेंगे तो आपने जो लिखा है वो किससे बदल जाएगा, सही शब्द से। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरह से स्पेलिंग करेक्शंस कर सकते हैं, और ठीक इसी तरह से आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं उनको भी सही कर सकते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपने कहीं कर दी, आपने गलत जगह कॉमा लगाया, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका सही नहीं है, जो इंग्लिश के अनुसार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, जो सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स हैं, अगर आपने कहीं पर भी गड़बड़ करी है तो ये उस सेंटेंस के नीचे ग्रीन अंडरलाइन देगा, अपने आप आ जाएगी, और राइट क्लिक करने पर आपको सजेशंस मिलेंगे। जैसे आपने स्पेलिंग ठीक करी वैसे ही आप ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी सही कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि मान लीजिए आप कुछ लेटर लिख रहे हैं, आपने अपने दोस्त का नाम लिखा। अब ये जो दोस्त का नाम है ये तो वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है। क्या होता है कि वर्ड जो है ये ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है, तो ऑफिस पैकेज की अपनी एक डिक्शनरी होती है। ठीक है, ये क्या करता है, अपनी एक डिक्शनरी मेंटेन करता है, और जब आप कोई शब्द लिखते हैं तो ये चेक करता है कि ये उस डिक्शनरी में है या नहीं। अब आपके दोस्त का नाम तो डिक्शनरी में नहीं होगा, इसलिए ये यानी कि वर्ड प्रोसेसर उस नाम पर भी स्पेलिंग मिस्टेक दर्शाएगा। तब हम क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम स्पेलिंग करेक्ट कर रहे थे, अब ये स्पेलिंग जो है वो किसी की नाम की है, किसी जगह की नाम की हो सकती है, किसी व्यक्ति के नाम की हो सकती है, तो हम ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और वहां पर हमारे पास एक कमांड है इग्नोर, तो हम इग्नोर कर सकते हैं उसको। राइट, या फिर कोई ऐसा शब्द है जो इसके डिक्शनरी में नहीं है लेकिन हमें लगता है कि ये वर्ड बार बार काम में आएगा और ये बार बार उस पर रेड अंडरलाइन देगा तो बड़ी दिक्कत की बात है, हम क्या कर सकते हैं कि हम डिक्शनरी में वर्ड ऐड भी कर सकते हैं। राइट, तो आप जो भी गलती है उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप एक तो ये है कि आप स्पेल चेक कर सकते हैं ना, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है भाई कोई नाम लिखा है, आप उसको इग्नोर, गलती को इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कमांड देंगे तो वो इन शब्द पर रेड लाइन नहीं दिखाएगा। और क्या कर सकते हैं, हम स्पेल चेकिंग कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरी चीज है हम ऐड, ऐड टू डिक्शनरी। अगर हम इस कमांड का चुनाव करते हैं ऐड टू डिक्शनरी, तो क्या होगा, ये जो शब्द है ये डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा
और आगे से इस वर्ड पर कभी भी वर्ड प्रोसेसर गलती नहीं दिखाएगा, राइट? तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, हम स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं, हम गलती जो है वो हमें लगता है कि नहीं ये गलती नहीं है लेकिन इसको इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर कर सकते हैं आप, उसको सही शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि भाई ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होना है और ये गलत नहीं है, ये कोई नाम है या कोई जगह का नाम है, तो आप उसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और उस पर रेड लाइन नहीं आएगी, आगे भी आप कभी टाइप करेंगे तो उस पर रेड लाइन नहीं आएगी। और ठीक इसी प्रकार से आप अपनी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जिनके लिए कि ग्रीन लाइन आ रही है, उन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप करेक्ट कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना? अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे ही लिखना है, जो भी मैंने लिखा है सही है, या मुझे ऐसे ही आगे इस फाइल को काम में लेना है, आप इग्नोर कर सकते हैं, तो उस पर से ग्रीन लाइन हटा सकते हैं, राइट? तो इस तरह से स्पेल एंड ग्रामर चेक जो टूल है उससे आप स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको नजर भी आ रही है और राइट क्लिक करने पर आप उन स्पेलिंग्स को ठीक कर सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं, या इन गलतियों को आप इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं भाई ये इसी तरह से है, इस पर गलती मत दर्शाओ। दूसरी चीज कि कोई वर्ड है जो आपको लगता है कि बार बार काम में आना है लेकिन इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, आपको यही रखनी है, आप उसको डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। जैसे सिटी का नाम है या मान लीजिए कोई प्लेस का नेम है जो कि जिस पर ये स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है क्योंकि इसके डिक्शनरी में नहीं है, तो ऑफिस पैकेज जो है वो अपनी डिक्शनरी मेंटेन करता है और उसके अनुसार ये स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं उनको दर्शाता है। हम स्पेलिंग सही कर सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक सही कर सकते हैं, या उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो हमेशा के लिए वो चीज हमारी गलती, अब कभी भी उस वर्ड को लिखेंगे तो नहीं आएगी प्रॉब्लम, राइट? इस तरह से स्पेल एंड ग्रामर चेक होता है। अब ऑटो करेक्ट फीचर जो है उसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम इन सबको एक साथ प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो ऑटो करेक्ट में क्या होता है, कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक स्पेलिंग है एक्सीडेंट, है ना? तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे डबल सी नहीं लगाते, एक्सी सिंपल ऐसे लिख दिया, लेकिन सही स्पेलिंग क्या है कि डबल सी आना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो ऑटो करेक्ट हो जाती हैं, आप गलती करेंगे लेकिन वो अपने आप सही हो जाएंगी। जैसे हम लिखते हैं देयर, है ना? क्या लिखते हैं हम, देयर मतलब उनका, है ना, उनका। तो इस स्पेलिंग में क्या होता है कि टी एच आई आर, और कई बार ऐसे जल्दी जल्दी में ये चीजें हो जाती हैं, तो इस तरह की मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं और ये हमारे वर्ड प्रोसेसर की एक फैसिलिटी है, एक टूल है जिससे ऑटो करेक्ट से कि कई मिस्टेक्स जो हम ध्यान भी नहीं देते हम गलती करेंगे और वो गलती अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना? तो ये ऑटो करेक्ट फीचर है जिसके माध्यम से अपने आप आपकी कई गलतियां हैं जो आप करेंगे, कई स्पेलिंग्स ऐसी हैं जिनमें जैसे हमें लगता है डबल सी आएगा या सिंगल सी आएगा, डबल एल आएगा या सिंगल एल आएगा, है ना? क्या कोई चीज आप लिख रहे हैं ब्यूटीफुली, है ना, तो डबल एल लिखना है, एल लिखना है, आप फटाफट जो भी आपको लगता है वो आप कर देंगे, लेकिन गलती है अगर तो वो ऑटो करेक्ट हो जाएगी। तो ऑटो करेक्ट एंट्रीज इसके अंदर अवेलेबल हैं। बेसिकली एक टेबल है, मतलब वर्ड के अंदर ये जो ऑफिस पैकेज है इसके अंतर्गत ऑटो करेक्ट की एंट्रीज होती हैं कि अगर यूजर ने ऐसा लिख दिया तो उसको इससे रिप्लेस कर दो। तो ये आप देख सकते हैं ये एंट्रीज को कि कौन कौन सी एंट्रीज हैं, तो आप जब भी इस तरह की कुछ गलतियां करेंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये फीचर्स हैं वर्ड में जिनके माध्यम से कोई भी मिस्टेक्स हम करते हैं तो वो ठीक हो सकती है, हमारी जो फाइल है वो प्रेजेंटेबल बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी कि उसमें गलतियां ना हो और जब भी कोई उसको पढ़े या रिव्यू करे तो उसमें इस तरह की गलतियां ना निकले, राइट? चलिए बच्चों यहां पर वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक से आने के बाद हम अपनी कंप्यूटर क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि वर्ड में कैसे हम स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सही कर पाते हैं, राइट। और एक ऑटो करेक्ट फीचर भी है जिससे चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, है ना। तो वो कुछ चीजें अब हम प्रैक्टिकली, हमने इनको समझ लिया, फिर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखिए यहां पर मैं कुछ टाइप कर रही हूं, है ना। अब जैसे मैं यहां पे लिख रही हूं इन वर्ड प्रोसेसर वी कैन, तो अब जैसे प्रोसेसर की स्पेलिंग में डबल एस आता है, मैंने एक ही एस लगाया और आपने देखा क्या हुआ, मैंने एक ही एस लगाया था लेकिन अपने आप डबल एस आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। दिस इज ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट फीचर से हमारे द्वारा की गई गलतियां, जो जनरल गलतियां होती है ना, वो अपने आप ठीक हो जाती है, है ना। तो आपने देखा मैंने सिंगल एस लगाया था, अपने आप डबल एस हो गया, क्योंकि डबल एस ही होता है प्रोसेसर की सही स्पेलिंग में। अब देखिए आप आगे, अब हम लिख रहे हैं इन वर्ड प्रोसेसर वी कैन क्रिएट फाइल्स, सेव एंड कैन टेक, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा टेक, तो टेक में मैंने गलती से ए नहीं लगाया, टी के ई। अब टी के ई तो कुछ होता नहीं है, तो इसने उसके नीचे रेड लाइन दे दी, है ना। रेड अंडर लाइन दिख रही है आपको, ये देखिए, ठीक है। एंड कैन टेक प्रिंट ऑफ फाइल, ठीक है। तो रेड लाइन देने का क्या अर्थ है कि यहां पर हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। चलिए और हम करते हैं इसमें इन वर्ड वी कैन प्रिपेयर, है ना। प्रिपेयर की स्पेलिंग क्या होती है, पी आर ई पी ए आर ई, मैंने ई नहीं लगाया लास्ट में, तो रेड लाइन दे रहा है, ठीक है। देखते हैं एक बार कैसे होता है। इन वर्ड वी कैन प्रिपेयर लिस्ट, इंसर्ट इमेजेस एंड टेबल्स, ठीक है। वो गलती से एल की जगह सेमी कॉलन लग गया, तो भी इसने मिस्टेक बता दी है। तो इस तरह से जो जो गलतियां आप करते जा रहे हैं ना, देखिए बाय चांस मेरे से एल नहीं लगा और एल की जगह सेमी कॉलन दब गया, तो क्या हुआ, इसने बता दिया, हाथ की हाथ ये बताता चल रहा है कि भाई आपने ये गलती कर दी है। यानी कि आप फाइल बनाने के साथ साथ अपनी गलतियां ठीक कर सकते हो, या फिर आप बाद में भी इनको एक साथ ठीक कर सकते हो। तो हम दोनों चीजें करके देखते हैं अभी, है ना। अब जैसे मैंने यहां पे ये देखिए, ठीक है, ये कुछ चीजें हमने करी और यहां पर इन वर्ड वी कैन प्रिपेयर लिस्ट, इंसर्ट इमेजेस एंड टेबल्स, वी कैन क्रिएट डायग्राम्स, चार्ट्स and drawings, ठीक है। ये देखिए आप देखते हैं हम कैसे, ये क्या चीजें दिखा रहा है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सबसे ऊपर दो लाइन मिल रही है हमें, तो यहां पर तो कुछ मिस्टेक है, लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, किस तरह की है, हमारी ग्रामर या फिर कुछ लिखने का जो तरीका है वो सही नहीं है। तो राइट क्लिक करने पर ये देखिए ये बता रहा है कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है,
और ये सही है, हमें सजेशन भी दे रहा है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, है ना। तो आपको सही चीज मिल रही है यहाँ पर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये गलती को आपकी सही कर देगा, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक सही हो गई हमारी, है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉइंग की स्पेलिंग गलत लिख दी, ए लगा दिया बीच में जबकि ए नहीं आता डब्ल्यू के बाद, तो मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने पर ये दिखा रहा है, ये देखिए मेन्यू में, कि स्पेलिंग की गलती है और यहां पर हमें ऑप्शंस दे रहा है काफी सारे, सही स्पेलिंग दिखा रहा है। और भाई आप ड्राइंग्स लिखना चाहते थे या ड्राइंग अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखना चाहते थे, ड्राइंग्स ऐसे लिखना चाहते थे, ये सारे सजेशंस दे रहा है ना आपको, कि आप क्या लिखना चाहते थे, आप अपनी गलती को सही कर सकते हो। और इसके साथ ही इसमें देखिए कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं, जैसे कि ऐड टू डिक्शनरी, इग्नोर ऑल, ये सारी चीजें भी आ रही हैं, कि अगर ऐसा कुछ है कि भाई वर्ड है और आपको डिक्शनरी में ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम सही चीज क्या है, हमें पता है कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, हम सही स्पेलिंग ले लेंगे। और ये देखिए अब रेड लाइन हट गई, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग सही हो गई। तो रेड लाइन आते ही हमें पता चल जाता है कि हमने गलती कर दी है। अगर हमें अपनी गलती समझ आ रही है तो हम खुद तो ठीक कर ही सकते हैं, अदरवाइज ये जो सजेशंस देता है उसमें से भी हम अपनी गलती ठीक कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो सजेशंस मिल जाएंगे। और ये काम हम हाथ की हाथ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक टूल है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। और इस टूल के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट की एकदम शुरुआत से लेकर एंड तक, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में मान लीजिए 100 पेजेस भी हैं, तो आप इस टूल को चलाएंगे तो ये आपकी एक 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 गलती को बताता जाएगा और आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं, वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, उस गलती को इग्नोर कर सकते हैं। ये देखिए इस टूल पर क्लिक करते हैं हम, कौन सा टूल है ये, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ABC और राइट का निशान आ रहा है, चेक का निशान, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का टूल है जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताता जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ पे गलती करी है। तो अभी ये बता रहा है कि आपने TKE लिखा है, ये इसकी डिक्शनरी में नहीं है, और ये सजेशंस भी दे रहा है, ये सजेशन दे रहा है कि आप TAK लिख सकते हो और द लिख सकते हो, टाई, ये बहुत सारे सजेशंस भी दे रहा है, ये देखिए, है ना। इग्नोर वंस, इग्नोर वंस मतलब कि इस गलती को यहां पर इग्नोर कर दिया जाए। इग्नोर ऑल एक कमांड है, इग्नोर ऑल, इग्नोर ऑल का अर्थ क्या है, कि जहां कहीं भी ये वाली गलती हो सभी जगह पर इस डॉक्यूमेंट के लिए सभी जगह पर इस गलती को इग्नोर कर दिया जाए। और ऐड टू डिक्शनरी, कि ये एक नया तरह का शब्द है कुछ TKE, और आप उसको डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। ये हर तरह के सजेशंस आपको दे रहा है, आपकी गलती दिखा दी इसने, आपकी गलती क्या थी, आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, क्या लिखा है हमने TKE, और सजेशंस में ये बता रहा है कि आपको टेक लिखना है या कहीं आपको द तो नहीं लिखना, आपने TKE लिखा है और आपको लिखना हो THE यानी कि द, या फिर आपको टाई, टाई तो नहीं लिखना, है ना। तो ये सजेशंस दे रहा है, इसके अलावा ये और भी ऑप्शंस दे रहा है, इग्नोर वंस यानी गलती को इग्नोर कर दिया जाए, इग्नोर ऑल का अर्थ है कि जहां कहीं भी इस तरह की गलती है पूरे डॉक्यूमेंट में सब जगह इग्नोर कर दिया जाए, या फिर इस वर्ड को ही डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाए। डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो आगे से कभी भी आप TKE लिखेंगे ना तो फिर ये गलती नहीं दिखाएगा। तो हमारे पास सही चीज क्या है कि टेक, कि भाई हमने लिखा है टेक। अब देखिए हमने ये टूल रन करा है, अब ये दूसरी गलती दिखा रहा है, तो ऐसे ही ये हमारे डॉक्यूमेंट की एक एक गलती को पकड़ता चलेगा और दिखाता जाएगा हम उन गलतियों को सही कर सकते हैं। अब हमने प्रिपेयर लिखा था, प्रिपेयर में आखिरी में
ई आता है, हमने ई नहीं लगाया, तो ये हमें बता रहा है कि कहीं आप प्री पे या प्रिपेयर्ड या प्रिपेयर क्या लिखना चाहते हैं आप, वो सजेशन दे रहा है और साथ ही साथ कमांड्स आ रहे हैं, इग्नोर वंस, गलती को इग्नोर करना है, इग्नोर ऑल, अर्थात कहीं पर भी ये चीज लिखी हो सभी जगह पूरे डॉक्यूमेंट में इग्नोर कर दिया जाए या फिर डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाए। तो सही चीज क्या है, प्रिपेयर, तो हम इसको ठीक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये स्पेलिंग एंड ग्रामर जो टूल है ये रन होएगा और ये एक एक गलती को दिखाता जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं ठीक करती जा रही हूं। अब ये दिखा रहा है ग्रामर मिस्टेक, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर जो चेक का टूल है ये क्या करता है, जब हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट की ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक ही जहां कहीं भी स्पेलिंग या ग्रामर संबंधित गलतियां होंगी उनको दिखाता जाएगा। तो अब ये दिखा रहा है ग्रामर मिस्टेक और बता भी रहा है कि आपने क्या गलती करी है, पॉसिबल वर्ड चॉइस एरर, मतलब बोल रहा है कि आपने अ लिखा है, ये अ यहां पर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, है ना, एन आना चाहिए। पता है हमें वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स इनका कैसे क्या होता है ना, एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं अ है तो एन आएगा, अ नहीं आएगा, एम एस वर्ड इज एन एप्लीकेशन, और हमने क्या लिखा है, एम एस वर्ड इज अ एप्लीकेशन, राइट। तो वॉवल्स के उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज आपको बता रहा है वो कि पॉसिबल वर्ड चॉइस एरर, कि आपने जो चीज लिखी है वो चॉइस आपकी गलती है, आपने यहाँ पे गलत लिखा है, और एन तो हमने एन चुना तो सही कर दी उसने गलती। अब देखिए नेक्स्ट गलती पे दिखा रहा है कि यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने दो बार एम एस लिखा है, रिपीटेड वर्ड, ठीक है, तो हम इसको भी सही कर सकते हैं, हमें गलती का पता चल गया, हम डिलीट कर सकते हैं इसको, है ना। ये देखिए तो इस तरह से ये चीज हमारी चलती रहेगी और हम आगे जो भी गलतियां हैं उनको अपनी ठीक कर सकते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा स्पेसेस, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा रहा है कि यहां आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस डाली हैं, तो इनको भी हम ठीक कर सकते हैं, है ना। ऐसे ये पूरा ऊपर से नीचे तक चलता जाएगा, एक एक गलती को दिखाता जाएगा। इग्नोर करना है हमें किसी मिस्टेक को तो हम इग्नोर कर सकते हैं। अब ये बता रहा है कि यहां पर हमने लिखा हुआ है ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है हमने, एड अ स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन, हमने पंक्चुएशन के बाद स्पेस दी है। देखिए क्या होता है, जैसे कि कॉमा हम लगाते हैं, कॉमा के बाद स्पेस आती है फिर वर्ड आता है, तो ऐसी कुछ हमने करा हुआ है, इग्नोर कर सकते हैं और ऑप्शंस जो हैं वो देख सकते हैं इसके लिए क्या क्या है, ठीक है, तो गलती को हम सही करा जा सकता है। तो इस तरह से आप देखिए नेक्स्ट ये स्पेलिंग, तो ये चलता रहेगा पूरे प्रोसेस, पूरे आपके पेजेस को ये ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी सारी गलतियां आपको दिखा देगा, और आपका जो ये जब टूल खत्म हो जाएगा तो आपका पूरा पूरी फाइल आपकी स्पेलिंग और ग्रामर जो गलतियां हैं उनसे सही हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं रहेंगी आपके डॉक्यूमेंट में। एडिटिंग जो शब्द है उसमें डबल टी नहीं आता, और यही चीज ये सजेशंस में दिखा रहा है, तो मैंने सजेशन में से ले लिया। और अब देखिए हमारे पास क्या मैसेज आया है कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया है, यानी कि अब आपका पूरा डॉक्यूमेंट स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी सारी की सारी ठीक हो चुकी हैं। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये चीज हमारी जो भी गलतियां थी वो सही हो गई हैं, हम अपनी फाइल को सेव कर देंगे, ठीक है। राइट,
तो हमारी देखिए जितनी भी मिस्टेक्स थी वो सही हो गई, हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो टूल है वो चलाया, तो जितनी भी गलतियां थी सब पर जहां जहां स्पेलिंग मिस्टेक थी वहां वहां उसने स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई, जहां जहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी वो भी सही हो गई, है ना। तो इस तरह के और भी कई सारे हमारे पास टूल्स हैं और जिनसे कि हम ये गलतियां जो हैं हम कर रहे हैं उनको सही कर सकते हैं, हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, ये जो वर्ड प्रोसेसर है यही एक्सपर्ट है, ये अपनी डिक्शनरी मेंटेन करता है और इसकी डिक्शनरी से हम अपनी गलतियों का पता लगा सकते हैं, सजेशन से उन गलतियों को ठीक भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो टूल है हमारा ये प्रूफिंग वाले ग्रुप में आता है और इसकी शॉर्टकट की है F7। जब हम F7 प्रेस करेंगे तो ये एक एक करके हमारी गलतियां बताता जाएगा, उन गलतियों को हम इग्नोर कर सकते हैं एक बार, इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल, यानी कि ये गलती कहीं पर भी अगर की हुई हो हमें लगता है कि नहीं इसको ऐसे ही रहने देना है तो इग्नोर ऑल कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर कोई वर्ड है जैसे कि मैंने कोई जगह का नाम लिखा तो वो मुझे लगता है कि ये बार बार काम आएगा और ये बार बार इस पे गलती दिखाएगा, तो आप उसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन आ रहा था हमारे पास ऐड टू डिक्शनरी, वो हम कर सकते हैं, या फिर सजेशंस हमें मिलते हैं तो हम अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम टाइप करते जाते हैं गलतियां रेड लाइन से और दूसरी लाइन से दिखाता जाता है कि यहाँ यहाँ आपने स्पेलिंग और यहाँ यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है, और इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरा एरर फ्री मिस्टेक फ्री जो है वो कर सकते हैं, किसी और को बुला के उसको चेक कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सारी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप खुद ठीक कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक टूल की मदद से। और ऑटो करेक्ट फीचर जो है वो तो बहुत ही अच्छा है, आपने देखा कि कहीं पर हमने जैसे प्रोसेसर लिखा डबल एस नहीं लिखा फिर भी आ गया, तो ऐसी कई मिस्टेक्स हैं जो अपने आप ठीक हो जाएंगी, राइट। चलिए बच्चों स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो टूल है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और आज कक्षा का समय पूरा हो गया है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।